जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube परिवार में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो BSF रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के रिगार्डिंग होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ इसकी मेरिट लगने वाली है वो कितने नंबर पर हो सकती है। इसी के साथ कहाँ कहाँ आपको ट्रेनिंग सेंटर दिए जाएंगे जहाँ पर आपकी बेसिक ट्रेनिंग चलाई जाएगी, और दूसरा एक सवाल ये आ रहा था कि इसकी ट्रेनिंग जो है कैसी होगी, हार्ड होगी कि इजी होगी। तो दोस्तों पूरे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले, तो वीडियो को पूरा देखिए। दूसरी बात दोस्तों आपको बता दूं, ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है, इसको आप लेकर चिंता में मत पड़िएगा, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में किसी अपने भाई ने पूछा था कि इसके एक कट ऑफ के बारे में आप वीडियो बनाएगा, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कट ऑफ के ऊपर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूं, क्योंकि इससे हो सकता है 5-10 नंबर नीचे भी आपका लग सकता है या 5-10 नंबर ऊपर भी आपका लग सकता है। तो उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में फिर आप लोग ही मुझे कमेंट करेंगे कि आपने तो इतना कट ऑफ बताया था, ये तो यहाँ लगा है, तो बिल्कुल भी इसको फाइनल कट ऑफ ना मानिए, ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है। तो चलिए प्यारे दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अगर रेडियो ऑपरेटर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो आपका डिक्टेशन टेस्ट मिला के 130 से 35 नंबर अगर आपके आते हैं या उससे 5-10 नंबर कम भी है तब भी आपको सेफ घोषित कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है। इससे पहले की जो कट ऑफ यहाँ पर लगी है वो इससे भी कम नंबर्स पर लगी है, लेकिन थोड़ा सा इस बार कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण मैंने ये नंबर्स पूरा डाटा जो है मिलाकर यहाँ पर लिया गया है। दूसरा EWS कैटेगरी की बात करें तो 120 से लेकर 125 नंबर अगर आपके आते हैं डिक्टेशन टेस्ट को मिलाकर तो आप भी बिल्कुल सेफ जोन में हो। उससे कम नंबर्स भी आपके 5-10 है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है इससे कम नंबर्स पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों OBC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर सीट नहीं की होने की वजह से इनको अगर अनरिजर्व कैटेगरी में डाला जाएगा तो जो ये कट ऑफ मैंने बताई इतने नंबर्स आपके होने चाहिए। SC कैटेगरी की बात करें तो 105 से 10 नंबर पर या 100 नंबर्स पर भी आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट लग सकता है। दोस्तों ST कैटेगरी की बात करें तो देखिए 95 से 105 या 100 नंबर के बीच में आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों रेडियो मैकेनिक की बात करें तो 115 से 20 नंबर या 110 नंबर भी आपके आते हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हो, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। EWS कैटेगरी अगर 110 से 15 नंबर भी आपके आते हैं तो आप भी अपने आप को सेफ जोन में मान के चलिए। इसी ST कैटेगरी की अगर इसमें बात करें कट ऑफ की तो 85 से 90 नंबर अगर आपके आते तो आप रेडियो मैकेनिक में सिलेक्शन पा सकते हो। दोस्तों ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है, ये फिक्स कटअप नहीं, ये हो सकता है इससे कम पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इसको बिल्कुल आप एक हमारी किसी भाई ने कमेंट किया था कि इस कटअप के बारे में भी एक वीडियो बनाइए, तो उसी रिगार्डिंग की वीडियो है, तो इसको बिल्कुल भी आप फाइनल कटअप या ऐसा मत मानिए। आपके नंबर अगर इससे कम भी है तब भी आप बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मान के चलिए, मोटिवेट रहिए अपने आप को भी और इन्वायरमेंट ऐसा तैयार कीजिए कि आप सेफ जोन में हो। दूसरी बात दोस्तों आपको बता दूं कि ट्रेनिंग आपका कहाँ कहाँ चलने वाला है। दोस्तों वैसे तो देखिए यहाँ पर 177 BN हिसार में जो है हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर आपका ट्रेनिंग हो सकता है, और इसी के साथ 95 बटालियन भांसी जो कैंप है हरियाणा में वहाँ पर आपका ट्रेनिंग चल सकता है, गुड़गांव में पड़ता है भांसी कैंप। इसी के साथ दोस्तों STC BSF का जो नॉर्थ बंगाल में आपका सिलीगुड़ी में NGP में जो ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों BSF का, वहाँ पर भी आपका ट्रेनिंग चल सकता है। इसी के साथ दोस्तों 178वीं बटालियन मथुरा जो है वहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग चलाई जा सकती है। इसी के साथ STC BSF चाकुर लातूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ये कैंप पड़ता है बेसिक ट्रेनिंग का, तो आपका ये अभी फिलहाल सभी ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी ट्रेनिंग नहीं चलाई जा रही, तो आपको बिल्कुल तुरंत ही जैसे आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए तुरंत ही बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी वीडियोज भी मैंने बनाई है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या सवाल हमको कमेंट बॉक्स में पूछा गया था, जो था ट्रेनिंग कैसी होगी या ट्रेनिंग हार्ड होगी या इजी होगी। दोस्तों ये सवाल आपके मन में आना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि आप पहली बार घर से फौज की नौकरी करने जा रहे हो, तो आपको बता दूं आपकी ट्रेनिंग जो है कैसी होने वाली है। तो दोस्तों देखिए आप जब ट्रेनिंग करने जाओगे तो आप घर में उतना फिजिकल नहीं करते हो या कोई भी उतना हार्ड वर्क नहीं करता है, जो वहाँ पर जाने के बाद आपको ट्रेनिंग के
आने वाले दिनों में करवाया जाएगा। दोस्तों देखिए, आप अगर घर में थोड़ा सा भी फिजिकल वर्कआउट करते हो तो आपको ट्रेनिंग बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली है। अगर आप घर में बिल्कुल ट्रेनिंग का वेट करते रहोगे तो आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग फील हो सकती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ट्रेनिंग देखिए आपका जाने के बाद 0 वीक होगा जिसमें आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराई जाएगी। उसके बाद जो है आपकी ट्रेनिंग वीक बाय वीक जो है थोड़ी सी आपकी हार्ड होती जाएगी। तो आपको उससे पहले ही अभी घर में आप जो हो तो आपको अभी से प्रिपरेशन कर लेना है, फिजिकल वर्कआउट कर लेना है, ताकि जब आप जाओगे ट्रेनिंग सेंटर्स में तो आपको वो फिजिकल महसूस ना हो और आप उसको हंसते हंसते खुशी खुशी ट्रेनिंग को पास कर जाओ। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आपने पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी आर्मी भर्ती हो, एसएससी जीडी हो या कोई सी भी पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती हो उसकी रिगार्डिंग वीडियोस में लाते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।